साथियों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों आज मैं मलाई से मक्खन निकालना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 5 डे का मलाई ले ली हूँ जिसे मैंने फ्रिज में रखा था। उसके बाद आप ब्लेंडर या अपने हाथों की मदद से इसे आप फेंट लेना है। 3 से 4 मिनट आपको फेंट लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये हो जाएगा स्मूथ, और ये जब अंदर से पानी छोड़ दे तब आपको लगेगा कि ये मक्खन निकल करके तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये अंदर से पानी छोड़ दिया है। देखिए कितना अच्छा मक्खन निकल गया है और अलग हो गया है मक्खन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अगर आप सर्दियों में निकाल रहे हैं तो गुनगुना पानी डालें, और अगर आप गर्मियों में निकाल रहे हैं तो चिल्ड वाटर डालें। यहाँ पे मैंने चिल्ड वाटर में ऐड की हूँ, और इस तरह से मक्खन को निचोड़ते हुए इस तरह से बाहर निकाल लेना है। देखिए एक बाउल में मैंने इसे निकाल लिया है, और इस तरह से दबाते हुए सारा पानी आपको निकाल लेना है। कितना अच्छा मक्खन बन करके तैयार हो चुका है। उसके बाद गैस में आप चढ़ा दें बर्तन को। उसके बाद 15 से 20 मिनट में ही अंतर दिखने लगेगा, और लगातार अच्छे से 20-20 में चलाते रहना है ताकि बर्तन में चिपके ना। तो इस तरह से लगातार चलाने से अब देखिए हमें घी नज़र आने लगता है। जो पहले पानी दिख रहा था उसमें कलर चेंज होता है, और घी जैसा कलर दिखने लग रहा है अब हल्का सा येलो कलर सा। और जिस भी बर्तन में आप घी छाने वो बर्तन हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, और डायरेक्ट कांच के बर्तन में कभी भी घी ना पलटें, हमेशा स्टील के बर्तन का ही यूज़ करें। तो इससे क्या होता है कि गर्म घी में आपका जो बर्तन है वो ख़राब नहीं होता है, प्लास्टिक और कांच के बर्तन में ख़राब हो सकता है। और इस तरीके से घी छान लेना है। तो ये घी बन के हमारा तैयार हो गया। तो साथियों आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।